अमेठी में असलाधारी दबंगों ने बीच चौराहे पर दलित युवक से मारपीट की और पीटने के बाद दबंग युवक को गाड़ी में भरकर ले गए। दिन दहाड़े हुई ऐसी घटना से कस्बावासियों में भय का माहौल बना हुआ है। मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ जाने से अधेड़ व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की है। मेरठ में भाजपा नेता से अभद्रता के मामले में कप्तान ऑफिस पर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया था। इस मामले में SHO गंगानगर पर गाज गिरी है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह को थाने से हटाया गया। यूपी के गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के करीब 10 डिब्बे पट्टी से उतर गए। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 27 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हादसे को देखते हुए ऐसा लगता है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन मिसिंग मोबाइल के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। विगत पिछले 19 महीने के अंदर लगभग 3 करोड़ कीमत के 1672 खोए मोबाइलों को बरामद किया और खोए मोबाइल ढूंढकर उनके स्वामी को लौटाए, जिससे सैकड़ों पीड़ितों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। उत्तराखंड लेखपाल संघ हरिद्वार द्वारा कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में आज समस्त राजस्व उपनिरीक्षक और राजस्व निरीक्षक रजिस्ट्रार कानून को समस्त संग्रह अमीन व संग्रह परिचारक डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही धरना प्रदर्शन में रिटायर कर्मचारी संघ और जन संघर्ष मोर्चा उत्तराखंड द्वारा भी अपना समर्थन दिया गया। रुद्रप्रयाग के समीप नरकोटा गांव में ऑल वेदर सड़क पर बन रहा उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज ढह गया। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार के कोई जनहानि की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है जब सिग्नेचर पुल का एक हिस्सा ढहा तो उस दौरान उसके अगल बगल मजदूर मौजूद थे, लेकिन पुल के टूटने की आहट समझते ही वो वहां से भाग निकले जिससे वो सुरक्षित बच गए। संभल में सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। खुद को अलग दिखाने की चाहत में लोग ऐसा काम करते जाते हैं जिसकी चर्चा चारों ओर हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला संभल जिले से सामने आया जहां पर एक रईस जादे ने कागज के नोटों से चिलम बनाई और जलाई। रईस जादे द्वारा नोटों से चिलम जलाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक एक ही परिवार के भाई भाई बताए जा रहे हैं। रायबरेली के सलोन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के मामले में जांच करने ATS की टीम रायबरेली पहुंची और मामले में संदिग्धों से पूछताछ की। बता दें सलोन में ग्राम प्रकाश अधिकारी के यूजर ID और पासवर्ड से लगभग 30,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना लिए गए थे। जनपद फिरोजाबाद के तहसील शिकोबाद में गैंग लीडर भूपेंद्र सिंह की लगभग 60 लाख की संपत्ति SDM ने जब्त की है। बता दें गैंग लीडर भूपेंद्र सिंह पर शराब तस्करी से लेकर लगभग आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे जिसमें कार्रवाई करते हुए SDM ने संपत्ति जब्त की है। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने इस मामले में सहज जनसेवा केंद्र चलाने वाले जिशान खान की जांच करने की मांग की है। फिरोजाबाद में किसान और उसी के गांव के युवक के बीच खेत पर जमकर विवाद के बाद हाथापाई हुई। इसके बाद युवक ने ट्रैक्टर से किसान को रौंद दिया। हादसे में परिवार को सूचना मिली और वो उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए युवक पर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के फतेहपुर में एक दलित युवक को कुछ दबंगों ने मामूली बात पर तालिबानी सजा दी और उसके बाद JCB मशीन से गड्ढा खोदकर जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को संज्ञान में लिया। बहन की तहरीर पर 2 लोगों पर मामूली धारा में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सहारनपुर में आगामी कांवड़ यात्रा 2024 को जनपद में सकुशल संपन्न कराने को लेकर कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए जनपदीय पुलिस ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियों को लेकर जहां पुलिस ने अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया, वहीं संबंधित अधिकारियों को तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी दिए।